हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो हम 11th का टॉपिक कर रहे हैं स्किल। लास्ट वीडियो में हमने स्किल के मीनिंग, उसके टाइप्स और रिटेल स्किल्स के बारे में बात की थी। आज हम कर रहे हैं स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से कौशल होने चाहिए। तो सेल्स एसोसिएट कौन होता है? जो सेल करने में मदद करता है, ग्राहकों को वस्तुएं बेचने में हमारी सहायता करता है, वस्तुएं बेचता है। तो ग्राहकों को, जो व्यक्ति वस्तुएं बेचेगा उसे ग्राहकों से बात करनी होगी। तो अगर वो ग्राहकों से सही तरीके से बात नहीं करेगा, ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए एक सेल्स एसोसिएट में कौन कौन सी स्किल, कौन कौन सा कौशल होना चाहिए। पहला है पेशेंस, यानी कि धैर्य। एक जो सेल एसोसिएट है उसे धैर्यवान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बात बात पर गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, यानी कि परेशान हो जाए। उसे धैर्य बनाए रखना होता है, उसे सही तरीके से कस्टमर से बात करनी होती है, ना कि उसे बात बात पर चिढ़ना या गुस्सा करना होता है। उसे ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में, अगर ग्राहक सही तरीके से बात ना करे तो भी वो खुद को शांत रख सके और ग्राहक से सही तरीके से शांत रूप में बात करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला। तो एक जो सेल एसोसिएट है उसमें बातचीत करने की कला होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे कि वो ग्राहकों से सही तरीके से बात कर सके। अगर वो सही तरीके से बात नहीं कर पाएगा, वो अपनी बात ग्राहकों को नहीं समझा पाएगा, तो वो एक अच्छा सेल एसोसिएट नहीं बन सकता और एक सफल रिटेलर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है अटेंटिव, ध्यान देना। जो एक सेल एसोसिएट है उसे अटेंटिव होना चाहिए, उसे कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर क्या कह रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है और वो क्या चाहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि वस्तु के बारे में जानकारी। सेल एसोसिएट को जिस वस्तु की वो सेल कर रहा है उसके बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको ही वस्तु की जानकारी नहीं होगी तो वो ग्राहकों को नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज, सही भाषा। एक सेल एसोसिएट को बात करने के लिए सही भाषा का चुनाव करना चाहिए, उसकी भाषा पे सही पकड़ होनी चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए जो कि कस्टमर्स को आसानी से समझ में आ जाए। जैसी भाषा में कस्टमर बात करता है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। एक जो सेल एसोसिएट है उसको, उसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, यानी कि सही समय पर काम करने की स्किल होनी चाहिए, समय का प्रबंधन करने का स्किल होना चाहिए, जिससे कि वो सही प्रकार से और सही समय पर काम कर पाए। अगर वो समय को ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो कोई भी काम समय पर पूरा नहीं करेगा और वो ग्राहक की ज़रूरतों को भी समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड, यानी कि उद्देश्य के अनुसार काम। तो जो सेल एसोसिएट है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वो जो भी काम करे अपने उद्देश्य के अनुसार करे, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर करे कि उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। जो भी उसका उद्देश्य है, सेल बढ़ाना या लाभ बढ़ाना, उसी उद्देश्य के अनुसार वो काम करें। नेक्स्ट है रिलायबल, विश्वसनीय। सेल एसोसिएट ऐसा होना चाहिए कि जो रिलायबल हो, जिस पे कस्टमर आसानी से विश्वास कर सके, वो आसानी से, जो कस्टमर है ऐसा, जो सेल एसोसिएट है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो झूठे वादे करे जिससे कि कस्टमर का विश्वास टूट जाए, वो विश्वसनीय होना चाहिए। मार्केट नॉलेज, बाजार की जानकारी। सेल एसोसिएट को बाजार की जानकारी होनी चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, कौन सी चीज़ का फैशन है, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, ऊर्जावान। जो सेल एसोसिएट है वो ऊर्जावान होना चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरा दिन थका थका सा रहे, सही तरीके से काम भी नहीं कर पाए, बल्कि उसको एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जावान होना चाहिए जिससे कि वो सही प्रकार से काम कर सके। तो उम्मीद है आपको ये सेल एसोसिएट में कौन कौन से स्किल्स या किस किस कौशल की आवश्यकता होती है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।